देखिए, ये इंडी अलायंस जो है वो देश को विभाजित करने में व्यस्त है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, बिहारी, तेलंगाना, ये जो डिवाइड करने का जो राजनीति इंडी अलायंस करते हैं, देश कैसे उसको स्वीकृति देंगे। मोदी जी एक नारा लगा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनाइटेड इंडिया, स्ट्रांग इंडिया, हम सब इसके साथ खड़े हैं, देश मोदी जी के साथ खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडिया अलायंस है वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, और कहते हैं कि वो जो चिकन नेक है ना, जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, वहां टुकड़ा करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ा है, देश को क्या सेवा करेंगे बताइए। वो तो बहुत इंसल्टिंग है ना, क्योंकि मैंने कहा ना, ये इंडी अलायंस देश को तबाही करने में लगे हुए हैं और विभाजित करने में लगे हुए हैं, उसको कोई साथ नहीं देगा। रीजनल सेंटीमेंट वो उसको वेप अप करके कुछ वोट बटोरने का कोशिश कर रहा है, लंबा जो सोच का उनके पास कुछ भी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए इंडी अलायंस से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, राहुल गांधी को मैच्योर होना चाहिए ये कहना तो ठीक है, वो अच्छी बात, ये जो भी कहा है अच्छा है, लेकिन इमैच्योर होना भी तो कभी कभी आदमी का जो बनावटी इमैच्योर है तो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन इमैच्योर से ज्यादा खतरनाक तो भारत विरोधी है ना, जो भारत को टुकड़े करने वाले के साथ खड़े रहते हैं, और जो देश विरोधी जिस आवाज में बात करते हैं, राहुल गांधी और उसके साथी भी वैसे ही बात करते हैं। अब जो आप सोच के देखिए ना, जो इमैच्योर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो भारत को तबाही करने वाला ना करे ना, वो कम से कम इतना हो तो भी चलेगा।